अब मैं सुरभि का रिएक्शन देखने वाला हूँ। मैंने सुरभि को एक कमरे में बंद कर रखा था। Oh my God! नकली आजा। Oh my God! हाय गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। और जैसे मैंने बताया, कल सुरभि का बर्थडे है, तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ अरेंजमेंट करने हैं, डेकोरेशन के आइटम्स लेने हैं। केक आपको बताया कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैं कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ के मानूंगा, लेके आऊँगा। और रात को कुछ उसके लिए गिफ्ट लिए हैं। एक जो गिफ्ट, जो मेन गिफ्ट है, वो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, तो उसमें एक वीक लगेगा ऑब्वियसली। और हमारा आज घूमने जाने का भी प्लान था, लेकिन बारिश हो गई है, सुबह का एग्ज़ाम भी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक जाएंगे। और कल मेरा ऑफिस है, अनफॉर्चुनेटली मैं छुट्टी नहीं ले सकता, और इसलिए आज हम रात को ही सेलिब्रेट करेंगे, और बाकी फिर नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट करेंगे। एक सुरभि के लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ केक सुरभि के लिए। और भारी ड्रामा है यहाँ पर। यहाँ पे कम से कम दो दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। मैं सैटरडे आया था, तो सैटरडे बेकरी बंद हो गई थी, संडे सब बंद रहता है। आज केक मिल नहीं रहा, तो मुझे जुगाड़ करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। देखते हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढूंगा मैं। दीपक पता नहीं मुझे छोड़ के कहाँ भटक रहा है, आई थिंक ये केक की तलाश कर रहा है, क्योंकि सेम मैंने भी ऐसे ही किया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसा होता है लाइक एक जगह पता किया, केक मिल रहा है, मिल क्या रहा है, जुगाड़ से हाफ इनके पास है, हाफ दूसरी बेकरी के पास है। बोल रहे हैं हम मर्ज करके एक बना देंगे, उसके लिए 50 यूरो क्या है, 4-5 हज़ार रुपये का, उतना हम खाएंगे भी नहीं, वेस्ट होगा, तो मुझे दूसरा ढूंढना पड़ेगा। आज है सैटरडे, कल संडे, आज 13 है, कल संडे है, तो सब बंद होगा। एक्चुअली मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दीपक ने मेरे लिए बर्थडे का कुछ प्लान किया था। आई थिंक जिंदगी में पहली बार है, या हो सकता है दूसरी तीसरी बार, हर बार करता हूँ पर हर बार रायता फैलता है, इस बार ऑब्वियसली फैलना था, तो फैल गया इस बार भी। तो हम लोग खड़े हैं एकदम मीडिया मार्ट के सामने, देखो ये पीछे मीडिया मार्ट दिख रहा होगा, और ये मुझे लेके आया है मेरे ही गिफ्ट दिलाने के लिए। एक्चुअली जब इंसान, मैं इसको उल्लू बना के लेके आया था, मैंने कहा मुझे कुछ चार्जर वार्जर लेना है, और एक चीज मैं लेने वाला था, और मैं लेने वाला हूँ इसके लिए, वो आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में कि क्या हम लोग लेने का प्लान कर रहे थे। मतलब ये मेरे लिए प्लान कर रहा था, ऑब्वियसली जो मुझे बहुत इंटरेस्ट है जिस चीज के लिए, और वो प्रोडक्ट एक्चुअली अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, 15 तारीख को लॉन्च होगा। मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, उसमें दिख रहा था कि यहाँ अवेलेबल है, मैं आया तो उन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, 15 को लॉन्च होगा, तो बोल रहा आप अभी से ऑर्डर दोगे तो हम 27 तक डिलीवर कर पाएंगे। अब मैं जाके ऑनलाइन देखूंगा, अगर उससे पहले ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन मंगाऊंगा, लेट्स सी। मतलब मेरा बर्थडे तो ऐसे ही चला जाएगा। और ऊपर से सेकंड चीज ये हो गई है कि अभी इसकी 5 दिन से लाइक कहीं नहीं जाना था, पर बॉर्डर्स ओपन नहीं हुए हैं, तो हम लोग ने कुछ ट्रिप प्लान किया था, वो भी हम नहीं जा पाए। तो इन, मतलब एक छोटे से शब्द में बताऊं, कोरोना ने मेरे बर्थडे की ऐसी तैसी कर दी है, बट कोई बात नहीं, स्टिल हम लोग एंजॉय करेंगे गाइस, कोई बात नहीं यार, ये तो छोटी मोटी चीजें होती है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये तो होती रहती हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ अच्छा करेंगे, है ना दीपक? डेफिनेटली हम एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने कोरोना बम लगा ले। यस, हम गिफ्ट भी लेंगे, हम घूमेंगे भी, हम एंजॉय भी करेंगे। और पता है गाइस, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बर्थडे जैसे जैसे आ जाता है ना, मैं बहुत इमोशनल टाइप की होती जाती हूँ। मेरे मॉम डैड भी अगर ये ब्लॉग देख रहे होंगे, वो उन्हें पता होगा। आई डोंट नो, मेरे को मेरे जो अपने लोग होते हैं उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन होता है कि वो मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लाइक आसमान में बैलून उड़ाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लाइक मतलब इट्स लाइक वो जो ड्रीम वाली जो सपने होते हैं ना, जैसे अपन सोचते हैं वैसा टाइप का, ऑब्वियसली वैसा कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है। तो मैं दीपक कैसा बिहेव कर रही हूँ दो तीन दिन से सुरभि अलग ही जोन में है। इसको लगता है इसका बर्थडे आ रहा है, मतलब कि नेशनल इवेंट आ रहा है, सारी सड़कों पे बलून तोड़ने चाहिए लोगों को, मतलब क्या तो बोलूं। और मेरा बर्थडे आता है, मुझे पता भी नहीं चलता कब आ गया। तो गाइस अब हम ये ब्लॉग
कंटिन्यू करेंगे लाइक कल संडे एंड देन मंडे एंड देन अगेन हमारा बर्थडे वाला दिन है. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे विश करना, आई विल वेट फॉर योर विशेस. और बाकी स्टे हेल्दी एंड सेफ. जैसे मैंने बताया था एक चीज़ मुझको उसको गिफ्ट करनी है, वो अभी तक मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ, आज लॉन्च होगा लेकिन वो अवेलेबल नहीं स्टोर्स पे. तो वो एक चीज़ है, कुछ पैकिंग के मतलब डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स लिए हैं, केक नहीं मिला पूरे सिटी में ढूंढनी, ये बड़ा भारी स्ट्रगल है यहाँ पर. केक मतलब आपको पहले ही ऑर्डर करना पड़ेगा, तो नहीं मिला. मिला तो बहुत बड़ा था, तो वेस्ट है फालतू का पैसे भी और वो भी. तो अब जा रहा हूँ मैं एक जगह और, वहाँ से केक ले कर फिर कुछ जुगाड़ करूँगा. यू नो गाइस, मेरा बर्थडे मतलब इंडिया के टाइम के हिसाब से एक घंटे में है और दीपक बाहर गया है कुछ लेने. मुझे ऐसा लगता है जब दो लोग मतलब यहाँ फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा, मतलब इस टाइप के फ्रेंड्स नहीं है कि आपके लिए मतलब पार्टी अरेंज करेंगे या कुछ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपके जो बेटर हाफ है उसके ऊपर हो जाती है. और मैं देख रही हूँ उसे सुबह से लगा हुआ है कुछ कुछ में. ऑल दो आई एम नॉट फीलिंग गुड, देन द अदर मैं सोचूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है. और अभी भी पता नहीं कुछ लेने गया है, बट एक्चुअली ये बहुत स्पेशल मोमेंट है. मैं ना मेरे घर वालों को बहुत याद कर रही हूँ. अभी मेरी जो नीज़ है, मेरी मम्मी और पापा ने मुझे फ़ोन किया था और उन लोगों ने केक खरीदा है और वो 12 बजे का वेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू डियर बुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू. किसका बर्थडे है कैंडी? कैंडी किसका बर्थडे है? हन्नी बुआ. और आप क्यों रेडी हुई हो? हन्नी बुआ तो रेडी नहीं हुई है. और वो फिर हमें मतलब कॉल करेंगे और फिर केक काटेंगे. जो मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ये ऐसी चीज़ होती है ना फैमिली इमोशंस की, मैं बहुत बार आप लोगों से आई डोंट नो दिस इज़ नॉट गुड कि मैं ये सब शेयर कर रही हूँ एंड मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, पर समहाउ ऐसी जब डेज होते हैं ना तो हमें फैमिलीज़ की बहुत याद आती है और उसमें से आज ये दिन है. और ऑफकोर्स मम्मी पापा के बर्थडेज हम बहुत बार बनाना भूल जाते हैं, पर वो लोग हमारे बर्थडेज कभी नहीं भूलते हैं. आज भी इतना साल हो गया है मुझे, मैं कब से बाहर रह रही हूँ, आज भी द सेम काइंड ऑफ प्यार वो लोग से मिलता है. तो ऑफकोर्स और कैंडी मतलब मेरी जो नीज़ है वो तो सुपर एक्साइटेड है. देखते हैं अभी वो लोग वीडियो कॉल करेंगे तो. आप लोग कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हो मुझे ज़रूर बताना. अब मैं सुरभि का रिएक्शन देखने वाला हूँ. मैंने सुरभि को एक कमरे में बंद कर रखा था. Oh my God! नकली आजा. Oh my God! आँख बंद करो. आँख नहीं खुलनी चाहिए. चलो खोलो. कितना सुंदर है. थैंक यू बेटू.
गाओगे ना? हाँ। चरा के दिल मेरा कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा ही है। अब दीपक ने मुझे इमोशनल कर दिया, देखो कितना सुंदर सजा रखा है। Thank you, mommy. Can do? Happy birthday. Thank you. सुल्भी घर पे बात कर रही है और फुल सेंटी हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना। वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।